प्रथम तहलका न्यूज। रुड़की के लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने चुनाव जीतने के बाद अब ईवीएम पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ईवीएम से अगर चुनाव हुए तो लोकतंत्र बिल्कुल नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने और ईवीएम के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। विधायक ने कहा कि ईवीएम पर दिन रात पहरा देने के बाद वह चुनाव जीते हैं और इसी तरह से खटीमा में भी कांग्रेस प्रत्याशी को दिन रात पहरा देना पड़ा जिसकी बदौलत उन्हें जीत हासिल हुई। उन्होंने कहा कि देश में सब कुछ ईवीएम पर चल रहा है, अगर चुनाव बैलेट पेपर पर होता तो उनकी जीत 25,000 से अधिक से होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता 5,000 का प्रत्याशी है, इससे अधिक वोट उन्हें कैसे मिल गए, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि आज तक लक्सर में कोई विकास नहीं हुआ, भाजपा विधायक ने भी अपना और अपने परिवार का विकास किया है, जनता का कोई विकास नहीं किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम की बदौलत ही उनकी लीड कम हुई है। भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता के पास 24,000 वोट कहां से आई, उसका हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि ईवीएम में बड़ा खोट है और ईवीएम के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों को पूरी ईमानदारी के साथ एकजुट होना पड़ेगा, तभी बैलेट पेपर पर चुनाव आएगा। एहसान का बदला एहसान ही होता है। जो लोगों ने भरोसा जताया है, मेरी पार्टी पर भरोसा जताया है, सबसे तो पहले मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, मुझे टिकट दिया और चुनाव लड़ने के लिए हौसला दिया, और उस भरोसे पर जनता खरी उतरी है, मैं भी खरा उतरा हूं। जो लक्सर की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट मुझे दिया है, उसने अपना और अपने परिवार का विकास किया है, उसने जनता का कोई विकास वहाँ नहीं किया है और जनता ने उसी के खिलाफ वोट दिया है। ये तो ईवीएम का कमाल है, जो वो प्रत्याशी आज 24,000 वोट लिए हैं। मैं समझता हूँ कि देश से ईवीएम गायब होनी चाहिए, बैलेट से चुनाव अगर होता तो संजय गुप्ता मैं समझता हूँ 5,000 का प्रत्याशी है। 100% ईवीएम का कमाल होना चाहिए, अगला चुनाव देश में बैलेट से ही होना चाहिए। अच्छा, मेरी 25,000 की लीड थी, वो 11-11.5 की रहेगी, मैं कैसे बनाऊँ वो तो मुझे पता है। उस पर 24 कहाँ से आई, वो हिसाब देना पड़ेगा। ईवीएम में खोट है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। साबित करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, जनता है। मेरे चुनाव आयोग को लिखने या लिखने से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है जो पार्टियां उन्हें ईमानदार होकर एक होकर के संघर्ष करना पड़ेगा पूरे भारत की पार्टियों को, तब ये बैलेट पर चुनाव आएगा तो लोकतंत्र बचेगा, वरना लोकतंत्र नहीं है। सवाल को कितनी बार करोगे, हाँ भाई, एक सवाल को कितने हजार बार करोगे, लाभ बीजेपी वालों के सामने कह दूंगा अगर ऐसी बात है तो। बीजेपी वालों कहना यह है कि जो कुल लोकतंत्र की जीत नहीं है, ईवीएम की जीत है, मैं तो यही मानता हूँ और जीतता हुआ कह रहा हूँ, हरा हुआ नहीं कह रहा हूँ। बात यह है, कह कौन रहा है, जीतता हुआ कह रहा हूँ, हरा हुआ नहीं कह रहा हूँ। सिंह धामी हारे हैं, वहाँ जो प्रत्याशी था उसने 24 घंटे पहरा दिया है दूरबीन लगा करके, हमने भी 24 घंटे वहीं पड़े रहे हैं, 50-50, 100-100 लोग, वरना यहाँ हरिद्वार का रिजल्ट भी कुछ और ही होता। 9 तारीख में सीसीटीवी कैमरे बंद, एलईडी बंद। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।